15 अक्टूबर को भारत और पाकिस्तान का मुकाबला है। आप लोगों को पता है कि 15 अक्टूबर एक ऐतिहासिक दिन होने वाला है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान विश्व कप के मैच में अहमदाबाद के मैदान पर आपस में भिड़ेंगे। 5 अक्टूबर से ये टूर्नामेंट शुरू हो रहा है, 19 नवंबर तक ये चलेगा। तो जाहिर तौर पर इसमें भारत और पाकिस्तान के कई मुकाबले आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं, लेकिन एक जो मुकाबला जो अभी पूरी तरीके से तय है वो 15 अक्टूबर का होगा। भारत का मुकाबला जब 15 अक्टूबर को पाकिस्तान के खिलाफ होगा तो बाबर आजम के साथ वो होने वाला है जो उनके करियर में आज तक कभी नहीं हुआ। बाबर आजम वो महसूस करने वाले हैं जो उन्होंने अपने करियर में आज तक कभी भी महसूस नहीं किया। एक ऐसा माहौल देखने वाले हैं जिस माहौल को देखकर बाबर आजम नहीं पूरा पाकिस्तान हिल जाएगा, पाकिस्तान की टीम हिल जाएगी, क्योंकि जो काम होने वाला है अहमदाबाद के स्टेडियम पर, जिस तरीके की तैयारियां अहमदाबाद के स्टेडियम पर इस मैच के लिए चल रही हैं, उन तैयारियों का जब जायजा लिया तो पता चला कि पाकिस्तान के हौस फाख्ता हो जाएंगे, पाकिस्तान की टीम की आंखों की रोशनी चली जाएगी जब वो इस माहौल को देखेगी। दरअसल आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान की टीम काफी लंबे अरसे बाद भारत आ रही है और बाबर आजम की जो नई टीम है इनमें से कोई भी खिलाड़ी कभी भी भारत नहीं आया है। भारत और पाकिस्तान के मैचेस जरूर हुए हैं लेकिन वो सारे मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर हुए हैं, भारत पाकिस्तान नहीं गई, पाकिस्तान भारत नहीं आई। लेकिन अब लंबे वक्त बाद, बहुत लंबे वक्त बाद पाकिस्तान की टीम भारत आ रही है। पिछली बार जब पाकिस्तान की टीम भारत आई थी तब इंजमामुल हक पाकिस्तान की टीम के कप्तान हुआ करते थे, लेकिन वो तमाम जो खिलाड़ी हैं वो रिटायरमेंट ले चुके हैं। अब जो नई टीम पाकिस्तान की है इस टीम का कोई खिलाड़ी भारत नहीं आया है, तो जाहिर तौर पर ये पाकिस्तान की टीम के लिए एक अलग अनुभव होगा, कप्तान बाबर आजम के लिए अलग अनुभव होगा, क्योंकि अभी तक जो बाबर आजम टकराए हैं भारत के खिलाफ वो किसी न्यूट्रल वेन्यू पर टकराए हैं, लेकिन भारत में भारत के खिलाफ खेलना ये अपने आप में एक अलग अनुभव होता है, और वो भी अहमदाबाद जैसे बड़े स्टेडियम में जब भारत के खिलाफ पाकिस्तान की टीम आएगी तो जाहिर तौर पर बाबर आजम के जीवन में सबसे अलग अनुभव होगा, सबसे ऐतिहासिक दिन पाकिस्तान की टीम के लिए होगा, क्योंकि भारत में भारत के खिलाफ खेलना ये पाकिस्तान के लिए काफी लंबे अरसे से नहीं हुआ है। ऐसे में बाबर आजम की टीम के लिए ये खेलना बड़ा ऐतिहासिक होने वाला है और इस मुकाबले की तैयारियां शुरू हो गई हैं। अहमदाबाद का स्टेडियम पूरी तरीके से तैयार किया जा चुका है, पूरी तरीके से वहां पर जो साजो सज्जा की तैयारियां हैं वो तैयारी होने लगी है। क्रिकेट स्टेडियम में जो फैंस हैं, क्योंकि पता है बीसीसीआई को पता है कि ये जो मैच है ये फुल पैक्ड मैच होने वाला है, एक भी सीट खाली नहीं होने वाली है, तो उसके लिए पूरी सिक्योरिटी का इंतजाम भी किया जा रहा है, क्योंकि मैच भारत और पाकिस्तान का है इसलिए पाकिस्तान की टीम की सिक्योरिटी की भी जिम्मेदारी बीसीसीआई के हाथ में है, तो पूरी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी ली हुई है, उसकी तैयारियां लगातार चल रही हैं, फैंस को कोई प्रॉब्लम ना हो उसकी तैयारियां लगातार चल रही हैं, टिकट लगातार मतलब टिकट तो पहले से ही सेल हो चुके हैं, मैदान के बाहर कोई किसी तरीके का हंगामा ना हो उसके लिए पूरी तैयारियां की जा रही हैं। तो जाहिर तौर पर ये मैच और ये मैदान दोनों ही 15 तारीख के लिए ऐतिहासिक होने वाले हैं और इसका मतलब कह सकते हैं कि अनुभव जो होगा पाकिस्तान टीम को भारत में भारत के खिलाफ खेलना, ये जाहिर तौर पर ना केवल बाबर आजम बल्कि पूरी पाकिस्तान टीम के लिए सबसे अलग अनुभव होगा। तो आपका इस मैच को लेकर क्या कहना है, कितने एक्साइटेड हैं आप इस मैच के लिए और क्या लगता है इस मैच को कौन सी टीम जीतेगी, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि खबरें लगातार मिलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच।